नेक्स्ट क्वेश्चन 2000 का सवाल है. क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल इज कंस्ट्रेंड टू मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ. इट रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 10 सेकंड. सवाल है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस टाइम इज ऑलराइट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस टाइम इज 30 मीटर. सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज फॉल्स. हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है. पहला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज जीरो. दूसरा है एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 3 मीटर पर सेकेंड. तीसरा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 30 मीटर. और चौथा है बोथ एंड भी गलत है. नाउ सवाल सिंपल है, सिचुएशन को समझेंगे. एक पार्टिकल है जो आपका वन डायमेंशन मोशन में जा सकता है, यानी कि उसको मोशन डे ग्रेविटी है. तो ऐसे ऐसे मान लें या ऐसे मान लें कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या किसी भी एक डायमेंशन में मूव कर सकता है. 10 सेकेंड बाद वो अपनी जगह आ गया. टोटल डिस्टेंस कवर्ड 30 है. सो पार्टिकल यहाँ से चला, यहाँ गया, फिर वापस आ गया. ऑलराइट, तो टोटल टाइम टेकन उसने 10 सेकंड लिया है और आपका डिस्टेंस जो उसने कवर किया है दैट इज इक्वल टू 30 मीटर. ठीक है, 30 मीटर का डिस्टेंस आपने यहाँ कवर किया है. इसको यहाँ लिख लेते हैं. ऑलराइट, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका 30 मीटर हो गया. ऑलराइट, सवाल यह है कि हमें गलत स्टेटमेंट बताना है, तो चारों स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं. पहला है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज जीरो. अब क्योंकि पार्टिकल जाके वापस अपनी जगह आ गया ओरिजिनल लोकेशन पे, तो लौट के बुद्धू घर को आए, डिस्प्लेसमेंट तो आपका जीरो हो गया. तो पहला स्टेटमेंट सही है. एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 3. तो अगर आपके एवरेज स्पीड की हम बात करेंगे वो होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. ऑलराइट, टोटल डिस्टेंस देखेंगे तो 30 है आपका और टाइम टेकन ये है, तो 3 मीटर पर सेकेंड. ये आपकी वैल्यू सही हो गई. सो यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी सही है. ऑप्शन नंबर सी है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 30 मीटर. नाउ ये बात गलत है, बिकॉज लॉर्ड के बुद्धू घर को आए, डिस्प्लेसमेंट जीरो है. तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत स्टेटमेंट है, हैंस राइट आंसर हो गया. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट चॉइस.